दिनांक 19 को लगभग रात में 7:32 पर हमारे फोन पे फोन आया कि यदि दीपावली के पहले 8 लाख फिरौती नहीं पहुंचाते हो तो तुमको गोली और बम से उड़ा दिया जाएगा। इस सिलसिले में मैं मधुबन संबंधित, मेरा थाना मधुबन है, मधुबन में मैंने FIR किया और आज कप्तान से मिल के अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। और इस तरह से जो आज वर्तमान में एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो शुद्ध रूप से गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा किया गया, ऐसा मुझे लगता है कि अब इस जनपद में कोई शरीफ आदमी सुरक्षित रहेगा ही नहीं। जब हम लोग जैसे आदमियों से फिरौती मांगी जाएगी, रंगदारी मांगी जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर ये पूरी कानून व्यवस्था बिल्कुल क्या है क्या नहीं है मैं नहीं समझ पाता हूँ। 19 तारीख के बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई पुलिस ने एक्शन लिया कुछ क्या? अब ये तो आप लोग कप्तान साहब से पूछें कि 19 तारीख के बाद क्या एक्शन लिया गया, ये तो उनको डिटेल उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ।